नगर निगम शिमला चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में हुए बदलाव के बाद डॉक्टर राजीव बिंदल ने हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाली। पार्टी कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने राजीव बिंदल का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप, पूर्व मंत्री व विधायक मौजूद रहे। डॉक्टर राजीव बिंदल ने हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त किया और कहा कि लड़ाई के बीच कोई भी कमांडर नहीं बदला गया है। नगर निगम शिमला चुनाव में निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश कश्यप और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कमांड करेंगे और 7 वार्डों का जिम्मा उनको सौंपा गया है। आज मुझे आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी, श्रद्धेय जगत प्रकाश नड्डा जी, श्रद्धेय अमित शाह जी, आदरणीय संतोष जी, आदरणीय श्री सोदान सिंह जी, हमारे पास विशेष रूप से पधारे आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी, हमारे प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, सह प्रभारी आदरणीय टंडन जी, चुनावों में प्रभारी रहे आदरणीय पांडे जी और राष्ट्रीय स्तर का समस्त नेतृत्व जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का दायित्व दिया है, उनके प्रति आपके माध्यम से मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। आने वाले समय के लिए जहां हमें नए संगठन मंत्री पहुंचने वाले, वहीं हिमाचल प्रदेश के संगठन के कुशल शिल्पी जिन्होंने भूत संरचना को अपना ध्येय वाक्य बनाया, ऐसे श्री पवन राणा जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। अनेक बार उनके शब्द कटु लगते होंगे, परंतु संगठन को जिस तरह से उन्होंने साधा, उसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव की समस्त रचनाएं आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी और आदरणीय सुरेश कश्यप जी के मार्गदर्शन में पूरी तरह से बन चुकी हैं। आदरणीय चौधरी सुखराम जी, हमारे छोटे भाई, वो प्रभारी के नाते कार्य को संभाल रहे हैं और केंद्र से विशेष रूप से श्रीकांत शर्मा जी प्रभारी के नाते इस काम को संभाल रहे हैं और यही टीम इस सारे कार्य को संभालेगी। मुझे जो दायित्व दिया गया था 7 वार्डों का, उस कार्य को मैं करने में इनके साथ सहयोगी की भूमिका निभाऊंगा। 2024 के लिए हम पूरी तरह से सज्ज होंगे, पूरी तरह से तैयार होंगे और एक एक स्थान पर जाकर के केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, हमारी जयराम ठाकुर सरकार की उपलब्धियां पहुंचाते हुए वर्तमान सरकार के द्वारा जो नकारात्मक दृष्टिकोण है उसको उजागृत करते हुए 2024 को पुनः 19 की तरह से विजयश्री की ओर लेकर के जाने के लिए मिलकर के काम करेंगे।